तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इस पैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए पहले से सील तोड़ते हैं, तो उसके लिए जरूरत पड़ने वाली है ये चीज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। बहुत दिनों के बाद इस तरह का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक जल्द देखिएगा, आज कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो गाइस मैंने ऑनलाइन परचेज किया था एक वायरलेस माइक, जिसको अभी तक मैंने ओपन करके नहीं देखा। तो चलिए मैं भी देखूंगा, आप भी देख लीजिएगा, और शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम जो वायरलेस माइक मैं यूज करने वाला हूँ अपने वन प्लस 6T के साथ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो को, आप अंत तक जब देखिएगा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। ये लो भाई साहब, ये आ गया जो पैकेट हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और शायद मेरे को मिला ये पांच से छह दिनों के अंदर ये मुझे मिल चुका है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले इसे सील जो है इसको तोड़ना पड़ेगा गाइस, तभी हम इसके अंदर वाला चीज को देख सकते हैं। वैसे इसका जो प्राइस लगा है उस हिसाब से ये जो डब्बा छोटा है, लेकिन बड़े प्राइस से छोटे डिब्बे के अंदर में छोटे छोटे वायरलेस माइक हो सकता है। लेकिन चले पहले ओपन कर लेते, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी चलता है, तो मेरे को सही सामान मिला है या फिर कुछ और पैकेट के अंदर में भर करके भेजा होगा या फिर सही सामान। तो चले फटाफट टेस्ट करते हैं, आप भी अकबका रहे हो, चलो शुरू करते हैं। यहाँ से इसका सील ओपन करते हैं फटाफट, चल जा कहीं। यस, फिर इसको तो लगभग सील खुल चुका है, तो इसके अंदर में एक इस तरह से पकड़ने के लिए दिया गया है, तो इसको इसे पकड़ेंगे फिर। अच्छा आ गया भाई साहब, तो देख सकते हैं फाइनली ये चीज जो है हमें मिल चुका है। और ये जो है आईफोन के लिए कनेक्टर है, ये माइक कनेक्ट करने के लिए, देख सकते हैं, फोकस ले लो भाई साहब, ये है आईफोन के लिए। तो चले इसको भी हम साइड करते हैं। फिर यहाँ पर हमें मिलता है एक रिसीवर, ये चीज ठीक है, शायद ये मोबाइल में लगता है, रिव्यू में मैंने देखा था। और साथ ही ये कॉलर माइक जो एक यहाँ पर है, ये कैसा लग रहा है, और ये जो है चिमटी, ये कॉलर में चिमटी लगाने के लिए, इसको भी नीचे रखते हैं। और साथ में एक और कॉलर माइक हमें यहाँ पर मिला है, तो चलिए फाइनली इसको देख लीजिए, और इसका टेस्ट भी हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइप सी के लिए चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, वो भी दोनों माइक में, देख सकते हैं, तो फोकस ले लो, देख सकते हैं ये दोनों में जो टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो डबल माइक के साथ मुझे एक रिसीवर भी मिला है, तो ये आइटम है। तो चलिए इसका भी हम कनेक्ट करके आपको दिखाने वाले हैं कैसे काम करता है। और यहाँ पर दो और कनेक्टर है, इस तरफ है टाइप सी का पोर्ट, और ये जो है यूएसबी और टाइप सी दोनों कनेक्ट करने के लिए, स्पेशल जो है लैपटॉप या पीसी के लिए है, तो इसको भी सेट करते हैं। और ये जो मोबाइल के लिए है, ये 3500 मॉडल, और इससे इसको एंड्रॉयड जो चार्जिंग केबल है, देख सकते हैं 3500 मॉडल, और इसको यहाँ पर टाइप सी केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों को साइड करके अब यहाँ पर एक चीज़ और है इस पैकेट में, रुक जाओ भाई साहब, ये तो निकल नहीं रहा, ये है इस छोटा सा डब्बा में, देखते हैं क्या चीज़ है, सिंबल दिया हुआ है, तो इससे पता चलता होगा कि इसके अंदर में चार्जिंग केबल है, तो ये टाइप सी का चार्जिंग केबल देख सकते हैं। तो इस छोटे से डिब्बा में आपको इतने सारा चीज़ मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम आपको इस छोटा सा डिब्बा में मिला, इस पैकेट में आया था। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको, अब चार्जिंग है कि नहीं है वो तो कैसे बोले, फिर भी इसको लगाना पड़ता है मोबाइल में, तो इसको लगा दिया मोबाइल में, फिर इसमें लाइट ब्लिंक होने लगा है, तो अब इसको कनेक्ट करना होगा। तो इसका स्विच किधर है, इधर पीछे साइड में है, लॉन्ग प्रेस 2 सेकंड के लिए करने से ये ऑन हो जाता है, ग्रीन लाइट है जो शायद कनेक्ट हो चुका होगा। तो चलिए
इसको अभी हम कलर में लगा करके चेक करते हैं। तो फाइनली ये जो माइक है इसको हमने लगा लिया है, कनेक्ट भी कर लिया है। एक ही मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए जो रिसीवर है वो इसी मोबाइल में लगा हुआ है और जो माइक है इसे ये मेरा हाथ में है। तो ये सिर्फ एक ही माइक कनेक्ट किया हुआ है। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं ये आवाज आपको कैसे सुना रहा होगा। फिलहाल इसको जब हम रिव्यू करेंगे तब पता चलेगा कि इस माइक की क्वालिटी क्या है। तो चलो इसी तरह से एक और माइक है, इसको भी हम चेक करते हैं। तो इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं। चलिए ये भी कनेक्ट हो गया है। देखिए कनेक्ट होने से शायद यहाँ पर ग्रीन लाइट जो दिया हुआ है वो इंडिकेट करता है, जलता है रिसीवर के साथ। रिसीवर में भी ग्रीन लाइट है और कनेक्ट होने के बाद ग्रीन होता होगा और शायद चार्जिंग लगाने से रेड लाइट होगा, बाकी तो देखना पड़ेगा चार्जिंग लगा करके, फिर देखते हैं। हेलो 1 2 3 4 हेलो, ये एक माइक, इस साइड एक माइक। हेलो 1 2 3 4 हेलो 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 हेलो, पता नहीं इसको हम भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि कौन सा माइक में कैसा आवाज आ रहा है। और चलिए इसको पता करने के लिए हमको मोबाइल रिव्यू करना पड़ेगा। बस दोस्तों आप लोगों को यही दिखाना चाहिए और हम बताना चाहते हैं कि ये लगभग जो 900 रुपया हमको पड़ा इस छोटा सा डिब्बा को लेने के लिए, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर कुछ है जो वो देख के ही पता चलता है, कुछ चाइनीज भाषा में लिखा है तो इसको हम नहीं पढ़ सकते। तो छोटा सा डिब्बा में हमको ये सारा आइटम मिला हुआ है। तो चलिए अगर ये अच्छा काम करता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चीज आप भी ले लीजिए सस्ते दामों में। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, और पता चले कि ये बढ़िया काम करता है तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मजेदार वीडियोज़।